उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे पॉलिनेशन होता है, अब हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स के दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में मिलते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि सेम फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। और लेकिन अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा, उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। अब फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी उनकी मैकेनिज्म होती है जो प्रमोट करता है या वो डिस्करेज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, और एनकरेज करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो कुछ स्पीशीज में पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी होती है वो आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होते। मतलब पॉलन ग्रेन्स जल्दी रिलीज हो गए, स्टिग्मा बाद में कैपेबल हुआ टू रिसीव पॉलन ग्रेन्स। सो आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। तो इन सम अदर स्पीशीज जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक डिफरेंट पोजिशन पे प्लेस्ड होते हैं। इसका मतलब जो एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन अलग अलग है। तो ये दोनों में जो डिवाइसेस हैं, चाहे कि उनकी लोकेशन अलग हो या उनमें सिंक्रोनाइजेशन ना हो, ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक और अदर डिवाइस है टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इन सेल्फ, वो है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। ये क्या चीज है? ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या है? जेनेटिक मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट कर रहा है सेल्फ पोलन, मतलब सेल्फ पोलन मतलब फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग दी ओव्यूल्स। मतलब जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट कर रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, पोलन ग्रेन्स ओव्यूल के साथ फ्यूज ना हो पाए। ठीक। तो क्योंकि वो पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं करने देता है, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं कि पोलन ट्यूब थोड़ी सी ग्रो करके रुक जाती है, कुछ केमिकल्स ऐसे सिक्रीट हो जाते हैं कि उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ये दूसरा मेथड है जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो एक मेल फ्लावर कहीं और है, फीमेल कहीं और है, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक। एग्जाम्पल है कैस्टर, मेज, ये ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है, ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को नहीं रोकता। कुछ स्पीशीज हैं जैसे पपाया, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे उगते हैं। मतलब मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो ये जो कंडीशन है ये भी सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगी। और हो सकता है कि ये जो सेम फ्लावर में, क्योंकि भाई डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट वाली कंडीशन भी नहीं आएगी, जिसको जेटोनोगेमी कहेंगे, वो भी नहीं होगा। मतलब डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में भी वो नहीं होगा, क्योंकि ट्री प्लांट ही अलग है। मतलब मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है पपाया में। अब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने के लिए कि पॉलिनेशन का मतलब नहीं, ये जरूरी नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए हैं। कभी कभार रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, या तो दूसरी स्पीशीज के पॉलन ट्रांसफर हो जाते हैं या सेम प्लांट के, अगर वो कंपेटेबल नहीं है, इनकम्पेटेबल है।
तो ये कह सकते हैं आप कि पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा, हो सकता है वो दूसरे स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स हो, है ना, या दोनों प्लांट आपस में कंपेटेबल नहीं हो तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी गई है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, जिसको हम पिस्टल कहते हैं फ्लावर्स में, उसमें एबिलिटी होती है, काहे की एबिलिटी, टू रिकॉग्नाइज द पोलन, कि ये राइट टाइप पोलन है, अगर वो राइट टाइप पोलन है तो कंपेटेबल होगा, अगर वो रॉन्ग टाइप पोलन है तो इनकम्पेटेबल होगा। तो अगर राइट टाइप है तो पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, और पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और ओव्यूल तक जाएगी और फर्टिलाइजेशन होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हमें लगता है प्लांट ही तो है और इसमें क्या होगा, ये तो पॉलिनेशन होगी, आप फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, लेकिन ये कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि जिसमें हम ये पता कर पा रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स और पिस्टल आपस में कंपेटेबल भी हैं या नहीं है, है ना, मतलब वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं है। अगर वो इनकम्पेटेबल है तो पोलन ट्यूब ग्रो ही नहीं कर पाएगी, अगर ग्रो भी करेगी तो वो ओव्यूल तक नहीं जा पाएगी, ठीक। तो दूसरी बात जो देखा गया इंट्रैक्शन में यहाँ पर, कि जो इफ द पोलन इज रॉन्ग टाइप तो पिस्टल रिजेक्ट कर देगी, पिस्टल क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी पोलन को, क्योंकि वो पोलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं करने दे रही है, ठीक। सो द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. यहाँ dialogue का मतलब बातचीत, verbal बातचीत नहीं है, chemical बातचीत है, ठीक है, pistil और pollen tube आपस में chemically बात करते हैं। The dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. अगर उनमें interaction हो रहा है और pistil ने ये देख लिया कि ये right type of pollen है, तो pollen tube grow भी करेगी, और यहाँ जैसे आप diagram में देख रहे हो कि बहुत सारे pollen grains grow कर रहे हैं, लेकिन hardly एक pollen tube को entry मिली है ovule तक। तो जब इंट्रैक्शन हो गया और पिस्टल ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये राइट टाइप ऑफ पोलन है और उसने अलाउ कर दिया कि तुम ग्रो कर जाओ, तो ये रिसेंटली बॉटनिस्ट ने देखा कि आइडेंटिफाई सम ऑफ द पोलन एंड द पिस्टल कंपोनेंट एंड इंट्रैक्शन लीडिंग टू रिकॉग्निशन। ये अभी देखा गया कि उनमें केमिकल इंट्रैक्शन हो रहा है ना, और फिर उस इंट्रैक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन कर रही हूं मैं, ये आप देखो, ये इसको आप भी अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. This dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components. अभी recently study किया है कुछ components को। जैसे कि पहले बात किया गया कि कंपेटेबल है कि नहीं है, अगर कंपेटेबल है तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, है? एक पोलन ट्यूब ग्रो करेगी और जो ओवरी तक जाएगी। तो पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। अब पोलन ग्रेन्स कभी कभार कुछ प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जो शेड होते हैं वो दो सेल स्टेज में जा शेड होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है। तो इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स द टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा।
जब ऐसे प्लांट्स में जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमीट बनाती है, किस वक्त? जब पोलन ट्यूब ग्रो कर रही हो स्टिग्मा में, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर से होती हुई स्टाइल में जा रही। इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन थ्री सेल कंडीशन, कुछ प्लांट्स हैं जो थ्री सेल कंडीशन में पोलन को शेड करते हैं, तो पोलन ट्यूब्स दो मेल गैमीट कैरी करती है शुरू से ही, और पोलन ट्यूब जब ओवरी से तक पहुंच जाती है तो ओव्यूल में जाती है। कौन से रीजन से ओव्यूल में एंट्री करती है? माइक्रोपाइल से। कौन से? उसमें माइक्रोपाइल से वो एंट्री करती है, क्योंकि माइक्रोपाइल के बीच में गैप होता है, वहीं से वो एंट्री करेगी। एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ये जो डायग्राम है, डी मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये जा रहा है पोलन ट्यूब का यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस में, और यहाँ पे सिनर्जिड्स हैं। तो ये जाएगा सिनर्जिड्स में, और उसके बाद क्या होगा कि जो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ओवरी तक गया, ओव्यूल तक गया माइक्रोपाइल से, और फिर सिनर्जिड्स उसको, सिनर्जिड्स तक कैसे पहुंचा? ये फिलीफॉर्म एपरेटस से सिनर्जिड्स उसको डायरेक्शन दे रही है कि इस तरफ बढ़ो, आगे जाओ। तो सिनर्जिड्स जो है, ये बहुत रीसेंट स्टडीज में देखा गया कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड्स गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। यही गाइड कर रहा है पोलन ट्यूब को कि इधर से जाओ। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। जो अभी तक हम बात कर रहे थे ना इंट्रैक्शन की, तो ये सारे इवेंट्स पिस्टिल पोलन इंट्रैक्शन में आते हैं। तो ये डायनेमिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन। मतलब पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगा, फिर वो देखेगा कि राइट टाइप पोलन है या रॉन्ग टाइप पोलन है। अगर राइट टाइप पोलन है तो वो उसको अलाउ कर देगा, प्रमोट कर देगा। अगर रॉन्ग टाइप पोलन है तो वो उसको इनहिबिट कर देगा। सो द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन इवन इन इनकम्पेटिबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड्स। ये जो करेक्टरिस्टिक है इंट्रैक्शन की, ये उनको मदद करेगा जो डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स में लाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही समझ जाएंगे कि ये पोलन ग्रेन इसके कंपेटेबल है, ये इसके नहीं है, तो ये फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। ठीक, अब जब हम बात करते हैं कि पोलन जर्मिनेशन की, अगर हम बात करें कि पोलन जर्मिनेशन कैसे जर्मिनेट कर रहे हैं, अगर आप सिंपल डस्टिंग कर दो ना पोलन को किसी भी स्टिग्मा के ऊपर, तो जैसे अगर ये आप ये देखो, बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर सच एज पी, चिकपी, क्रोटेलेरिया, बालसम, विनका, ये अगर आप ग्लास स्लाइड पर इसको पोलन ग्रेन को डस्ट कर दो, और एक ड्रॉप शुगर सॉल्यूशन जो कि 10% शुगर सॉल्यूशन है वो डाल दो, 10-15 से 30 मिनट के अंदर आपको पोलन ग्रेन्स में पोलन ट्यूब ग्रो करती हुई दिख जाएगी मैग्नीफाइंग लेंस से, लो पावर लेंस से आपको दिख जाएगी। तो जो जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं आर्टिफिशियल, तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम में आता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हम दो प्लांट को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके हम चाह रहे हैं कि सीड्स बने। ठीक, अब जिसके हम चाह रहे हैं सीड्स बने, हमने वो सेलेक्ट कर लिया, उसमें से हम एक प्लांट को मेल प्लांट की तरह से ट्रीट करेंगे और दूसरे को फीमेल की तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक,
इफ द फीमेल पेरेंट बेयर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर द एंथर डाइसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स। मतलब हम उस फीमेल पेरेंट जिसको हम बनाने जा रहे हैं और हमें पता है उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हम फोर्सेप लेके सारे स्टेमेंस रिमूव कर देंगे, है ना, उसके एंथर के पोलन ग्रेन रिलीज करने से पहले फोर्सेप की, और ये प्रोसेस कहलाता है इमेस्कुलेशन। ठीक है, इमेस्कुलेशन क्या है? रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। ठीक है, ये इमेस्कुलेशन है। जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैं उसको एक बैग से कवर कर देते हैं सूटेबल साइज के, और बटर पेपर का बना हुआ होता है। इससे क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, कि हवा से उड़ के कोई और पोलन ना गिर जाए। हमने तो इतनी मेहनत से इसको मेल पार्ट अलग करके इसको फीमेल पेरेंट बनाने की कोशिश की और पता चला वो फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये जो बैग से ढकने की प्रोसेस है ये कहलाता है बैगिंग। When the stigma of bag flower attains receptivity, क्योंकि हमने वो स्टडी कर लिया कि अब स्टिग्मा तैयार है, रिसेप्टिव है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स को आपने दूसरे प्लांट से कलेक्ट किया जिसको आप मेल पेरेंट बना रहे हो, और उसको आपने लाकर स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग करा दी और फिर से उसे बैग पहना दिया ताकि फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन हो जाए और फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट डेवलपमेंट हो जाए। फर्टिलाइजेशन में दो चीजें हो रही हैं, ओवरी तो फ्रूट बना रहा है और ओव्यूल सीड्स। तो इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक, ये तो अभी तक हमने जो बात की वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात की। अगर फीमेल पेरेंट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो अब आपको इमेस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं होगी, तब तो फीमेल फ्लावर बर्ड्स को ही बैग पहना दो बटर पेपर का बनाया हुआ, और अपने पोलन ग्रेन्स लाओ कहीं और से जो आप डिजायर्ड प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना चाह रहे हो। ठीक, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छे से समझना। देखो, जब सिनर्जिट के जरिए पोलन ट्यूब एंटर हो गई तो पोलन ट्यूब के पास दो मेल गैमीट है। ठीक है, तो एक मेल गैमीट तो एग सेल की तरफ जा रहा है और उसके साथ फ्यूज हो रहा है, और ये कहलाता है प्रोसेस सिनगैमी। क्या कहलाता है? सिनगैमी। और इसकी वजह से डिप्लॉयड सेल बन जाती है जिसको हम जायगोट कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब जब जायगोट बन गया, जो दूसरा मेल गैमीट है वो इन दो पोलर न्यूक्लियाई के पास, ये जो आपने वहां देखा था ना ऑक्टेट वाले पिछले चैप्टर में, ये इनके साथ फ्यूज हो जाएगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होना प्रोसेस कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। आप बोलोगे द अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस फ्यूजन को, फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दो टाइप का फ्यूजन है, एक सिनगैमी जो कि एग सेल के साथ हुआ, और एक है ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां दो फ्यूजन हो रहे हैं इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो ये यूनिक है टू द फ्लावरिंग प्लांट। The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell PEC and develops into the endosperm while zygote develops into an embryo। मतलब जो यहाँ पे फ्यूजन हुआ ये तो बना रहा है एंडोस्पर्म, और जो नीचे फ्यूजन हुआ वो एम्ब्रियो बना रहा है। ठीक, अब यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो ये जायगोट बना, ये डिवाइड किया जायगोट की सेल्स, और ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप, डिफरेंट टाइप एम्ब्रियो हैं। ठीक है, ये प्लूम्यूल पार्ट है, ये कॉटिलेडन है, ये रेडिकल है, तो रेडिकल रूट दे देता है और प्लूम्यूल शूट पार्ट में डेवलप होता है। तो ये डायग्राम है फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दिखा दिया, होते हुए नहीं दिखा, हो गया,
और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोलते हैं, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को PEN बोलेंगे और सेल को PEC, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो हैं, ठीक है। और ये स्टेजेस कह दो आप के स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट, ठीक है। तो ये हार्ट शेप है, फिर ये रेडिकल और वो है। अब यही चैप्टर के जो सेकंड पार्ट है वो हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। अब नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट करना।